मैं निकला वो गड्डी लेके। अरे आप लोग आ गए। वैसे ये गाना जो मैं गुनगुना रहा था, ये गाना दोबारा आने वाला है, और सिर्फ गाना ही नहीं पूरी पिक्चर दोबारा आने वाली है। जी हाँ, गदर 2 का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हो गया है। पहले मुझे लगा था फिल्म के बाद ही लॉन्च होगा, लेकिन चलो लॉन्च तो हो गया। आज मैं आप लोगों के सामने गदर 2 के पूरे ट्रेलर का रिव्यू करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारे साथ देखिए पूरे गदर का पोस्टमार्टम। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्टोरी से। गदर 1 की अगर बात करें तो गदर 1 में एक बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी दिखाई गई थी, जहां पे पार्टीशन हुआ था और ये 22 साल पहले की कहानी थी। लेकिन गदर 2 की अगर बात करें तो यहाँ भी फोर्सफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्रश इंडिया मूवमेंट के जिक्र को किया गया है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई हिस्ट्री हो जो हमें ना पढ़ाया गया हो, वो हमें इस मूवी में देखने को मिले। कहानी में अगर एक्टर्स की बात करें तो हमारे सनी देओल, हमारे जो पाजी हैं, वो वापस से आ चुके हैं और स्टोरी की जान है वो, और इसलिए उन्हें दोबारा लाया भी गया है। स्टोरी नई तरीके से क्रिएट की जा रही है, लेकिन पुराने तरीके यानी कि 22 साल पहले का जो फ्लेवर है वो आज भी आपको इस मूवी में और ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अमीषा पटेल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले का जो चार्म था और जो पहले जो स्टोरी थी, वो स्टोरी जो नई स्टोरी बनाई जा रही है उसमें अमीषा पटेल मुझे थोड़ी सी खटक रही है, और उनकी अगर एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग में मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रही है। और इस पूरे स्टोरी में अगर हम एक चीज़ भूल रहे हैं तो वो भूल रहे हैं विलन, जो अमरीश पुरी जी ने हमारे पहले पार्ट में निभाया था और इस बार मनीष जी निभा रहे हैं। वेल, मैं अगर देखूं तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो अमरीश पुरी को बीट कर सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली उनको विलन बनाया जा रहा है। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और सिर्फ चिल्लाने चीखने से अगर आप विलन बन जाओगे तो सॉरी, आप गलत हो। स्टोरी की बात हो गई, एक्टर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं गानों की। जो गाने हैं इसमें, पुराने गानों को दोबारा से रिक्रिएट किया गया है। लोग कहेंगे कि अरे भाई, जब नया ज़माना आ गया है, नई तरीके से टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ नया नया आ रहा है, तो गाने नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। वेल, आप लोग भूल चुके हैं, ये जो मूवी है एक रीमेक है। ये मूवी जो है एक दोबारा उसी कहानी को दोबारा नई तरीके से प्रेजेंट की जा रही है, तो गाना अगर नया होगा तो वो फ्लेवर ही मिसिंग हो जाएगा। इसलिए उस फ्लेवर को लाने के लिए गाने को भी रिक्रिएट किया गया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गाना खराब ना हो जाए, इसलिए उनके ओरिजिनल सिंगर से इन गानों को गा रहे हैं। बात करें कुछ सीन्स की, तो सीन्स जैसे कि हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन और बहुत सारे पुराने सीन्स को ट्रेलर पे दिखाया गया है, रिक्रिएट करने की कोशिश की है, और एक पुराने फीलिंग को दोबारा जगाने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ जो इन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर अभी पूरा नहीं है। ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं जो दिखानी चाहिए, और स्टोरी कुछ ना कुछ अभी भी छुपी हुई है। वेल, ये तो पता लगेगा तब जो हम स्टोरी देखेंगे यानी कि पिक्चर देखेंगे, और हमें तब पता लगेगा कि स्टोरी एक्चुअली है क्या। बात करते हैं VFX और SFX की, तो पहले जो पार्ट 1 आई थी उसमें इन्होंने जो भी कुछ दिखाया था वो ओरिजिनल था। ओरिजिनल मारपीट, ओरिजिनल हर कुछ, ओरिजिनलिटी का सहारा लिया गया था, लेकिन इस बार VFX और SFX का सहारा लिया गया है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े वो कच्चे रह गए और ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर में पैसे बहुत इन्वेस्ट किए जाते हैं, बट जो इंडियन फिल्में हैं वो VFX और SFX पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उन्हें उसका बजट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अगर आप पूरे फिल्म को VFX और SFX के बेसिस पे बना रहे हो। और अंत में अगर बात करें इस मूवी की पूरी ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हो सकती है, या फिर मूवी कैसा परफॉर्म करने वाला है, ये तो वक्त आने पता लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये भोजपुरी फिल्म टाइप लग रही है, या ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने को, पुरानी कहानी को दोबारा रिक्रिएट किया गया है। वो चाहते तो पठान जैसी मूवी को कॉपी कर सकते थे और कुछ नया ला सकते थे, बट उन्होंने पुरानी फ्लेवर को नई तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही दिन मूवी काफ़ी अच्छा कमाई है, क्योंकि गदर का तो क्रेज़ है ही, और गदर 2 आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है और कैसा होता है। ऐसे ही और अमेजिंग मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए फेमस बॉलीवुड। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।